इताअत ये इबादत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरिमू अखाकुम, अपने भाई का एहतराम करो, मैं तुम्हारे भाई हूँ लिहाजा मेरा एहतराम करो, मगर इबादत सिर्फ रब की करो, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो। वअबुदू रब्बकुम। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ke duniya mein kya kuch ho raha hai ke log kis tarah ghairullah ki mohabbat mein giraftar ho chuke hain. isai mazhab wale Allah taala ki mohabbat ke muqabila mein khuda ke bete Isa alaihissalatu wassalam ko giraftar ke isai mazhab wale Allah taala ki mohabbat ke muqabila mein वो खुदा की बेटे कहते ईसा अलैहिस्सलाम को, उनकी कमारी मां और रूहुल कुदस की मोहब्बत में मुब्तला है और इस कदर मोहब्बत मुब्तला है कि अल्लाह की सामने अल्लाह से भी ज्यादा मोहब्बत उन्हें करने लगते हैं। तो यही मुश्रिकाना मोहब्बत है। और इसी तरीका से हिंदू वाले भी महबूब हकीकी की बजाय जिन्हें वो परमाता या ईश्वर, परमाता या ईश्वर कहते हैं, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को महबूब हकीकी की बजाय कि वो परमाता या ईश्वर कहते हैं। फिर दुर्गा देवी लक्ष्मी माता की मोहब्बत में मुब्तला है वो हिंदू मस्त। और फिर उसकी बात साधु और ऋषियों से मोहब्बत की ये फेंके बढ़ा रहे हैं, उनकी नाम की नजर नियाज देते हैं ये। इसी तरह कलमागो मुसलमान भी गैरुल्लाह की मोहब्बत का दम भरते हैं, या अली मदद कहने लगते हैं, फिर या गौसल अजम मदद कहने लगते हैं, इसकी नारा लगा रहे होती हैं, कभी पीर बाबा को मदद के लिए पुकारा जा रहे हैं, कभी खुलाफा राशिदीन में हजरत अली रजी अल्लाह तआला की नाम लेकर तो आपने मदद के लिए पुकार रहे होती हैं, कभी खाजा दादरसी की जा रही है, खाजा बाबा की नाम से कभी मांग रहे हैं। तो ये लोग अल्लाह ताला की प्यारे महबूब है और साले लोग है, निकार लोग है, ये अल्लाह की खास बंदों में से हैं, ये निकार लोग है, ये साले लोग है, अल्लाह की पैरवी करने वाले लोग है, ये अल्लाह की प्यारे महबूब है, ये अल्लाह का वली है, इनको अल्लाह का शरीक ठहरा लिया इन लोगों ने। अब मेरे दोस्तों यही चीजें हैं जो साबित करती हैं कि उन लोगों ने गैरों की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत की बराबर करार दे दी, बराबर करार दे लिया है कि अल्लाह ताला को कहते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिसतन अल्लाह ही को पुकारो कि वही हाजिर और नाजिर है, वही तुम्हारे मालिक है और वही तुम्हारे कादिर मतलक है, वही मुख्तार है, वही तुम्हारे मदद करने वाले हैं, वही तुम्हारे मुश्किल कुशाई और हाजत, वही तुम्हारे हाजत रवाई है। मगर यहां लोग गैरुल्लाह को भी अल्लाह की हम पल्ला बनाकर शिरक करके शिरक की मुर्ताकिब हो जाती हैं। यह अल्लाह वालों का तरीका पता नहीं है, अल्लाह वाले इसे नहीं कहते हैं। अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह वादाहु ला शरीक ला है, अल्लाह वाले यही कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह वाले यही कहते हैं किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ अल्लाह की जात से होने का यकीन और गैर से ना होने का यकीन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके के अंदर कामयाबी, गैर के तरीके के अंदर नाकामी, इस बात की यकीन दिलाते हैं तुम्हें और इस बात की तुम्हें दावत देते हैं। अल्लाह का वली, अल्लाह की वली, ये अल्लाह की प्यारे महबूब है, खबरदार इन लोगों को अल्लाह के बराबर मत ठहराओ, अल्लाह की मसावी मत ठहराओ, अल्लाह के साथ इनको शरीक मत बनाओ। और आले ईमान का हमेशा यही तरीका रहा कि वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की जात होती है, वो किसी गैरुल्लाह की मोहब्बत को अल्लाह की बराबर नहीं जानते हैं। ये ईमान वाले जो है, जो औलिया अल्लाह है, इन लोगों की क्या शान है, इन लोगों की यही शान है कि अल्लाह की मोहब्बत इनको बहुत ज्यादा होते, वो किसी गैरुल्लाह की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के बराबर
नहीं मानते हैं गैरुल्लाह की मोहब्बत को। जहां तक नबी का ताल्लुक है तो यह अल्लाह ताला के हुक्म की तामील है, खुदा ताला ने हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि नबी से मोहब्बत करो, और नबी की मोहब्बत नबी की यह इताअत में शामिल है। और इताअत यह इबादत नहीं होती है, इबादत इताअत यह इबादत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरिमू अखाकुम, अपने भाई का एहतराम करो, मैं तुम्हारे भाई हूं लिहाजा मेरा एहतराम करो, मगर इबादत सिर्फ रब की करो, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो। वअबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की। आज लोग अल्लाह की वहदानियत और उसकी मोहब्बत के दावेदार भी हैं, मगर मफौकल असबाब गैरुल्लाह को भी मदद के लिए पुकारते हैं, हालांकि जबान से इकरार करते हैं इय्याक नअबुदू वइय्याक नस्तईन। मेरे दोस्तों, उसकी दिल के अंदर है अमेरिका और जर्मनी और जो है ना बर्तानिया, बड़े बड़े जलसों में बड़े बड़े लीडर बयान कर रहे होते हैं इय्याक नअबुदू वइय्याक नस्तईन, अरे अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तू यही से मदद मांगते हैं, बड़ी मोहब्बत अल्लाह के, अल्लाह से बड़े मोहब्बत का दावेदार, मगर मफौकल असबाब वो गैरुल्लाह को भी मदद के लिए पुकार रहे होते हैं कि भाई अमेरिका से भी हमें ताल्लुक चाहिए, अमेरिका से भी हमारे दोस्ती चाहिए, अमेरिका हमारे मदद कर ले, या किसी इदारा से मदद मांग रहे होते हैं। मदद किसकी मांगना चाहिए? अल्लाह की। मदद किससे मांगना चाहिए? अल्लाह से। और इबादत किसकी करना चाहिए? अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। इय्याक नअबुदू व इय्याक नस्तईन, अल्लाह ने जो सिखाया, अरे अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तू ही से मदद मांगते हैं, मगर अमल उसकी बरखिलाफ है, जब अमल करने आते हैं उसकी बरखिलाफ है। इय्याक नअबुदू व इय्याक नस्तईन पढ़ते हैं, जब अमल करने आते हैं उसकी बरखिलाफ। अंबिया समेत सारे के सारे मखलूक मोहताज और आजिज है, अंबिया समेत यानी औलिया हो साहबतुल अजमाइन और अंबिया इकराम और आलिय इकराम जितने भी है पूरे कायनात की तमाम तर मखलूक मोहताज है और आजिज है, और क्या है? आजिज है। सिर्फ अल्लाह की जात है जो गनी है, अल्लाह की जात है जो कादर मतलक है, अल्लाह की जात है जो मुश्किल कुशा है, अल्लाह की जात है जो हाजत रवाई करने वाले हैं, कादर मतलक सिर्फ अल्लाह की जात है। लिहाजा आल ईमान का तरीका भी यही है कि उन्हें शदीद तरीन मोहब्बत ना महबूब हकीकी से है, यानी अल्लाह ताला की जात से होती है इनकी मोहब्बत, और किसी से नहीं होती। आज मेरे दोस्तों, तुम किसकी मोहब्बत करने लगे हो? जिन औलिया किराम की तुम मोहब्बत करते हो, जिनके नाम पर तुम नजर न्याज करते हो, जिनकी न्याजमंदी में तुम नजर न्याज करते हो, जिनके नाम पर तुम कुर्बानी करते हो, याद रखो वो भी अल्लाह के वली, वो अल्लाह के नेक बंदे, वो अल्लाह के प्यारे महबूब लोग जो है ना अल्लाह की तरफ तुम्हें बुलाते हैं, वो भी अल्लाह की इताअत करते हैं, वो अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, वो और किसी से मदद नहीं मांगते हैं। लिहाजा तुम भी अल्लाह से मदद मांगो, हाँ, इनकी नक्शे कदम पर चलते हुए।